अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर टू का हम लेक्चर नंबर टू जो है वो स्टार्ट करेंगे और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है डैट इज़ कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स। जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि डायरेक्ट मोड में जो है वो कमांड्स यूज़ की जाती हैं और इनडायरेक्ट मोड में जो हैं वो स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं। तो कमांड्स क्या होती हैं या स्टेटमेंट्स क्या होती हैं वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो कमांड्स जो हैं वो एक्चुअली एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो होती हैं और जैसे ही इसको टाइप किया जाता है तो फौरी तौर पर ये एग्जीक्यूट जो हैं वो हो जाती हैं और ये यूज़ होती हैं डायरेक्ट मोड में। और आपको जैसे बताया था कि डायरेक्ट मोड में जब ये कमांड्स यूज़ होती हैं तो इसमें जो है लाइन नंबर यूज़ नहीं होता। बेसिकली जो कमांड्स हैं वो प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए जो हैं वो यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पर कमांड्स के मैंने नेम्स लिखे हैं, पहली कमांड मैंने लिखी है एडिट। तो जो एडिट कमांड है वो प्रोग्राम में अगर आपने कोई चेंजेस लेकर आनी है तो उसके लिए जो है एडिट कमांड यूज़ होगी। CLS कमांड है, CLS कमांड जो है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ होती है। सेव कमांड जो है वो फाइल को सेव करने के लिए यूज़ होती है और इस तरह से बहुत सारी कमांड्स हैं जो आगे चल के आप चैप्टर में जो है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कमांड्स भी एग्जीक्यूटेबल हैं, स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूटेबल हैं, लेकिन कमांड्स डायरेक्ट मोड में यूज़ होती हैं और स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनडायरेक्ट मोड में जो है वो यूज़ होती हैं। और जैसे कि आपको बताया था कि इनडायरेक्ट मोड में जब स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं तो वो स्टार्ट होती हैं लाइन नंबर से और स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रोग्राम लिखने के लिए जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। नीचे एग्जांपल्स जो हैं कुछ स्टेटमेंट्स की मैंने जो है वो लिखी हैं। इसमें जो है इनपुट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट है, लेट स्टेटमेंट है। इन सब का जो पर्पस है और ये किस 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 तरह से यूज़ होती हैं और किस तरीके से प्रोग्राम में जो है इनको यूज़ किया जाता है वो नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स में जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों लेक्चर नंबर टू का जो सेकंड टॉपिक है डैट इज़ IDE राइटिंग एंड सेविंग प्रोग्राम्स। सबसे पहले कि IDE क्या होता है, IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये जो है एक टेक्स्ट एडिटर होता है, इस तरह से आप समझ लें कि GW बेसिक का इंटरफेस होता है कि जिसमें प्रोग्राम जो है वो लिखा जाता है उसको डीबग मींस, जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि डीबगिंग में हम एरर्स को रिमूव करते हैं। इस तरह से प्रोग्राम सेव भी आप कर सकते हैं, इस टेक्स्ट एडिटर में एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, यानी आप इसमें तमाम जो GW बेसिक से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो इस टेक्स्ट एडिटर में जो है वो परफॉर्म आप कर सकते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक टेक्स्ट एडिटर है, इंटरफेस है GW बेसिक का। सेकेंडली कि आप इस टेक्स्ट एडिटर में आप प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, तो प्रोग्राम लिखने के लिए जैसे आपको बताया था कि इनडायरेक्ट मोड में जो है वो प्रोग्राम लिखे जाते हैं और प्रोग्राम लिखने से पहले आपने सबसे पहले जो है इसमें लाइन नंबर जो है वो मेंशन करना होता है और लाइन नंबर की जो रेंज है डैट इज़ फ्रॉम 0 to 65,529, यानी इन नंबर्स में के दरमियान जो है आप कोई भी लाइन नंबर दे सकते हैं। उसके बाद आप स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद जो है वो आप स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिखेंगे, ठीक है। वैसे तो एक लाइन नंबर में एक ही स्टेटमेंट लिखी जाती है लेकिन आप एक स्टेटमेंट से ज़्यादा भी जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कॉलन का जो है वो सिंबल जो है वो यूज़ करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि दो लाइन स्टेटमेंट्स जब आप लिखते हैं तो उनको सेपरेट जो है वो ये सिंबल करता है। इसके अलावा एक लाइन जो आप लिखते हैं उसमें करेक्टर्स जो हैं वो 255 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन असेंडिंग ऑर्डर, और जो स्टेटमेंट्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो एक प्रोग्राम लिखा लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 30 और उसके बाद आपने लिख दिया लाइन नंबर 15। अब जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें पहले लाइन नंबर 10 आएगा, फिर लाइन नंबर 15 होगा एंड देन लाइन नंबर 20 होगा। तो इस तरीके से चाहे आप लाइन नंबरिंग आगे पीछे कर दें
लेकिन एग्जीक्यूशन जो है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लाइन नंबर्स। उसके बाद अब प्रोग्राम को जो है वो किस तरीके से सेव किया जाता है। सेव मींस कि स्टोरिंग अ प्रोग्राम ऑन अ डिस्क, डिस्क पे जो आपकी हार्ड डिस्क है या कोई और स्टोरेज डिवाइस है तो उस पर आप किस तरीके से जो है वो प्रोग्राम को सेव करते हैं GW बेसिक में। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो आप दो तरीके कर सकते हैं, जिसमें जो है पहले आप सेव कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप सेव कमांड यूज़ नहीं कर सकते तो उसकी जगह उसकी शॉर्टकट की है डैट इज़ F4। जिस वक्त आप F4 प्रेस करते हैं तो सेव खुद ही लिखा हुआ आ जाता है और साथ ही इन्वर्टेड कॉमाज आ जाते हैं। उन इन्वर्टेड कॉमाज में आपको फाइल का जो है वो नेम टाइप करना है और उसके बाद जो है वो एंटर की जो है वो आपने प्रेस करनी। जैसे कि इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि सेव कमांड है और जो फाइल का नाम है वो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर है, आप इसको डबल कोटेशन मार्क्स भी कह सकते हैं, और उसके बाद एंटर की को जो है वो प्रेस करना। तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो कि आज के लेक्चर में जो है वो हमने डिस्कस किए। एक तो थी कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स। कमांड एंड स्टेटमेंट्स जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स। इसी तरीके से व्हाट इज़ एन IDE, ये भी 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह से सेव अ प्रोग्राम जो है ये भी 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।